आमचा नाटकाचा उद्देश कुठल्याही धर्म जातीच्या सामाजिक भावना दुखावण्याचा नाही आहे. ही घटना काल्पनिक आहे. अटी लागू. सन 1970 भारत को आजादी मिले 23 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां आजादी नहीं मिली थी. उन्हीं इलाकों में से एक था रामगढ़. और रामगढ़ में अंग्रेजों के जाने से पहले और उनके जाने के बाद भी जिसकी हुकूमत थी वो था गब्बर. रामलाल जी साहब, हमने जेलर साहब को खत भेजा था, आए नहीं वो अब तक. जी ठाकुर साहब, आते ही होंगे. ठाकुर साहब, आपका खत मिलते ही मैं पहली गाड़ी से यहाँ आ गया. कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. जेलर साहब, मुझे दो आदमियों की जरूरत है. रामलाल, पहचानते हो इन्हें? इन्हें कौन नहीं पहचानता. ये है जय और ये वीरू, पूरे के पूरे बदमाश. ये कहाँ मिलेंगे? किसी जेल में होंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, वरना इनका कहाँ कोई ठिकाना होता है. मुझे इन्हीं दोनों की जरूरत है. जी ठाकुर साहब. और उस वक्त जय और वीरू उस जेल में थे जिस जेल की हुकूमत अंग्रेजों के जमाने के जेलर के हाथ में थी, और उसी जेल में से जय और वीरू भागने की कोशिश कर रहे थे. अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं. हमने सुना है जेल में पिस्तौल. सिपाहियों, पूरे जेल की तलाशी, आधे इधर जाओ. आधे उधर. और बाकी हमारे पीछे. अटेंशन. तुम इधर आओ. पिस्तौल मेरे हाथ में है, साइकिल की चाबी. तुम इधर आओ. ये क्यों इंस्पेक्टर साहब, आज किसे छोड़ने आए हो जेल? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूँ. मेरा एक काम करोगे? काम क्या है? अगर बहादुर हो तो काम की परवाह छोड़ दो. काम हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं. कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ. क्या बोलता है? वही छपना. मंजूर है. अब ठाकुर के काम को अंजाम देने के लिए जय और वीरू रामगढ़ आए, और इसलिए जय और वीरू का स्वागत रामगढ़ में बड़े धूमधाम से किया गया. हेलो 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 वन 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 टू टू से डॉट. चुम्मा दे दे चुम्मा
गब्बर बहुत ही खतरनाक है, डरोगे तो नहीं? हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से। भागो, गब्बर के आदमी आ गए। क्या चाहते हो? सारा माल हमारे हवाले कर दो। पचास पचास कोस दूर जब कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। और वहां से गब्बर के आदमी काली पहाड़ी की ओर भागते हुए आ रहे थे। और यहाँ गब्बर अपने जश्न में डूबा था। मैं माफ कर दो सरकार। कितने आदमी थे सरकार? ढाई आदमी। सुअर के बच्चों वो ढाई और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? सरकार पूरे ये मुकेश, ये 24 साल का था। अफसोस, धूम्रपान की वजह से ये बच नहीं सका। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आपने छोड़ कर देखें, तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस पिस्तौल में 6 गोलियां है और तुम तीन, बहुत नाइंसाफी है। ए बाहु, इधर के लस, आता पहुंच पड़ना, आता पहुंच पड़ना। पर ठगाला लगली करो, मानी फेंक फेंक गड़। आखिरकार वो दिन आ ही गया। काली पहाड़ी के पीछे छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में दंगल आयोजित हुआ। ठाकुर ये हाथ हमको दे ठाकुर।